हेलो एवरीवन, सो फाइनली मेरे चैनल में मोनेटाइज हो चुका है। तो फाइनली आप देख सकते हो कैसे मेरा प्रोडक्ट फैला रहता है। जब भी मैं मेकअप शूट करती हूँ या कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो इसी तरह से गाइस फैल जाता है। एंड मुझे काफ़ी सारे लाइट लगाने पड़ते हैं। मुझे लगा आपके साथ ये सब शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मुझे 5-6 लाइट लगानी पड़ती हैं। आप देख सकते हो किचन में ही मैं वीडियो शूट करती हूँ। अभी मेरा अलग से मेकअप स्टूडियो नहीं है, तो जो भी है मैं यहीं शूट करती हूँ। एंड ये जितना भी मेकअप फैला पड़ा है इसको रखने में मुझे घंटों लग जाते हैं, एंड निकालने में भी। जो यूट्यूबर है वो अच्छे से समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो आप मेहनत को समझें और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस मंगाए पर्पल से, आप देख सकते हो। इनमें मैंने प्रोडक्ट भी मंगाए हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट का मैं बारी बारी से आपको रिव्यू दिखाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी से फटाक से आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये NYV का ये ब्लश है, मैंने इसको इस वीडियो में लगाया हुआ है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है। इसको लगाने के बाद ना नेचुरल लुक आ जाएगा आपके फेस पे। एंड इसको लगाने के बाद ना बहुत ही फ्लॉलेस लुक लगता है, फ्रेश फ्रेश सा लुक लगने लगता है। आप देख सकते हो तेजस्वी जी ने भी ये लगाया है। तो ये वीडियो आपको देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आई बटन पर भी शो हो रहा है। और यह न्यू लॉन्च NYV का सेटिंग स्प्रे, इसको मेकअप बेस के बाद इसको स्प्रे करना है। बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है, मैंने इसको यूज किया है इस वीडियो में भी। और ये काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है, हमारा मेकअप टिका रहेगा काफ़ी टाइम तक। उसके बाद अब मैं दिखा रही हूँ अरोमा मैजिक ग्रेप फ्रूट फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, इसको यूज करूँगी मैं, आपको अगले वीडियो में दिखा दूँगी। और इसका डेमो और वीडियो फुल ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाली हूँ। एंड इसको लगाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, सारा का सारा डिटेल मैं आपको शेयर करूँगी। आप बस कमेंट कीजिएगा कि आपको इनमें से कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है। और काफ़ी अच्छा इसकी पैकेजिंग मुझे लगा देखने में। और इसके बाद ये फेशियल किट आपको देखने को मिल रही होगी। इसमें आपको 7 स्टेप मिल जाते हैं, इसमें डिब्बे पे भी मेंशन किया हुआ है। एंड इसके साथ एंड इसके अंदर से इस तरह से पैकेट होते हैं, 6 पैकेट है सॉरी। और ना आपको सीरम मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे 7 प्रोडक्ट हैं। एंड स्टेप बाई स्टेप आपको इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा, मेंशन किया हुआ। इसका भी मैं फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि कैसे इस फेशियल को यूज करना है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मिनिमम मिस्ट का मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री है गाइस। समर में आप इसको ऑयली स्किन पे यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छी स्किन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है एकदम। और इसको लगाने के बाद आप खुद ही फील करोगे ना कि इतने दिनों से मैं क्यों इस मॉइस्चराइजर को यूज नहीं कर रही थी, या इसके बारे में क्यों नहीं मालूम था। तो उसके बाद अब मैं ये देखिए सनस्क्रीन है मामा अर्थ की, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट बेस्ट हैं गाइस। और ये इसको मैंने देखिए थोड़ा सा वीडियो को पता नहीं क्या ख़राब हो गया तो चल नहीं रहा था, तो इसमें मैंने फ़ोटो भी डाल दिया है। तो इसके बाद मुझे ना ये नेचुरली किट फ्री मिली है इतने सारे प्रोडक्ट बाय करने पर। एंड एक बायोटिक का फेस वॉश भी फ्री मिला था। तो आप देख सकते हो इसमें भी 3 प्रोडक्ट है, फेस वॉश, शैम्पू, कंडीशनर। इतना प्रोडक्ट ही मुझे फ्री मिल गया है, बहुत ही अच्छा लगता है जब फ्री कुछ मिलता है ना गाइस। तो ये ब्लाउज़ है जो मैंने वीडियो में पहना हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो देख लो आप इस तरह से ब्लाउज़ आएगा। ये मीशो से मैंने इसको मंगाया हुआ है वीडियो में पहनने के लिए, क्योंकि यही ब्लाउज मुझे लग रहा था उनके जैसा। और पीछे से इस तरह से होगा, बहुत ही अच्छा ब्लाउज है। ये देखिए हुक टाकने की आई इस तरह से बनी होंगी। एंड इस तरह से देखिए कितना अच्छा पैटर्न मिल जाता है बैक में। और ये देखिए पैडेड ब्लाउज है, एंड इसमें देखिए इस तरह से डोरी आपको मिल जाएगी, और नेक भी आपको डीप मिल जाएगा, बैक नेक। एंड इसमें देखिए मिरर इस तरह से कितने अच्छे से लगे हुए हैं। इसमें पाइपिंग भी दी हुई है, देखिए डोरी के एंड पे इस तरह से लटकना, सेम जैसे सिंपल जो होता है ना वही वाला। और इस तरह से फ्रंट में देखिए पूरे पे मिरर है इस तरह से। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड हार्ट शेप आपको फ्रंट नेक मिल जाएगा इस तरह से, बहुत ही ब्यूटीफुली से बनाया गया है। एंड इसमें आपको स्लीव्स भी मिल जाते हैं, अंदर के साइड इस तरह से यहाँ पे है। आप चाहो तो स्लीव्स लगा लो बाद में, ये इसके स्लीव्स हैं, अंदर मिल जाते हैं, करीब 5 इंच के स्लीव्स हैं। पार्टी वियर के लिए बहुत ही अच्छा ब्लाउज है, एंड गोल्डन कलर का है। ये हर ड्रेस पे जाएगा, आप चाहे जौन सा भी साड़ी ले लो उस पर आप ये पहन सकते हो। और ये कई सारे कलर में अवेलेबल है, कई सारे साइज में भी अवेलेबल है।
आपका जो भी साइज हो वो ऑर्डर कर लो। मैंने किया है 36 और मेरे बिल्कुल फिट आया है, ये मेरा साइज है क्योंकि, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, हाईली रिकमेंड करूँगी। ये जो मिरर हैं आप सोचो ये ऐसे ही टिके रहेंगे, तो ये मुझे लग रहा है धुलने से कुछ निकल सकते हैं, तो फैब्रिक ग्लू भी आता है ना, आप उससे इनको दोबारा से स्टिक कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा हो आप ले लो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। नेक्स्ट ज्वेलरी जो मेरी होने वाली है ना, और वो है मेरा जो हेयर एसेसरीज, तो हेयर एसेसरी में मैंने जो पहना हुआ है तेजस्वी जैसा, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से है, ये देखिए उन्होंने हेयर में लगाया हुआ है ना, कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, सेम ऐसा ही उनका लग रहा था। तो जैसे ही मुझे ये मीशो पे मिला मैंने फटाक से इसको भी ले लिया। जो जो ज्वेलरी मुझे नहीं मिली है उन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो मैं दिखाऊंगी अभी मैंने अपने हाथों से कौन कौन सी ज्वेलरी बनाई हुई है जो कि मुझे नहीं मिल पाई है, और कुछ मिल भी रही थी तो सेम उनके जैसा लग नहीं रहा था, तो मैंने फिर मंगाया नहीं। मैंने कहा कि आप पैसे वेस्ट करना क्यों ना मैं बना ही लूँ, मेरे पास घर में कुछ सामान पड़े हुए थे तो मैंने बना लिया। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आपकी ज्वेलरी ख़राब हो जाए, पुरानी हो जाए, ओल्ड हो जाए, उसको फेंकिएगा नहीं, उसका अलग बॉक्स बना लीजिए, और जब भी पुरानी होती जाए टूट जाए तो आप उनमें अपनी ज्वेलरी को डालते जाओ, वो कभी भी आपके काम आ सकती हैं। पुरानी जो ज्वेलरी होती हैं, जैसे हमारा कहीं से नग निकल गया नई ज्वेलरी में से, या कुछ कहीं से कोई हिस्सा टूट गया या कोई कुंदन टूट गया, तो आप ना उसको उसमें से निकाल के और अपने नई वाली ज्वेलरी में लगा सकते हो जो कि आप पहनना चाहते हो। तो ये तो हेयर एसेसरी है और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है। इसमें आपको इस तरह से व्हाइट कलर के डायमंड मिल जाते हैं, हल्के हल्के से लगे हुए हैं, बहुत ही शाइन कर रहा है, ये फ्लावर टाइप के बने हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन लगा है मुझे। ये पार्टी वेयर लुक में पहन सकते हो, प्रिंसेस लुक प्रोवाइड करता है आपको। एंड फिर मैं दिखाती हूँ अंगूठियाँ जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये इस तरीके से जो भी है मैंने पहन लिया, मेरे पास जो भी पड़ा हुआ था, क्योंकि उनकी अंगूठियों में कुछ चौकोर कलर का डायमंड है तो वैसा सेम मिलना बहुत ही मुश्किल था, तो मेरे पास जो भी पड़ा था तो मैंने ये पहन लिया, ये क्योंकि इतना दिख भी नहीं रहा था ना। इतना बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग है मेरे पास, आप ये देख लो, मुझे लगता है लॉन्ग लॉन्ग सा कुछ इयररिंग डाला हुआ है उन्होंने, तो मैंने भी कुछ इस तरह से मंगा लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग है ये, आप इसको भी आराम से पहन लो, पार्टी वेयर लुक में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आप देख लो कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं ये, बट ये ना मैंने लोकल मार्केट से लिया है, ऑनलाइन में भी इस तरह के मिलते हैं, 200 के अकॉर्डिंग मुझे पड़ गया था, बहुत अच्छे लगे ये इयररिंग। एंड उसके बाद मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ मैंने अपने हाथों से ज्वेलरी बनाया हुआ है, तो ये वो ज्वेलरी है जो तेजस्वी जी ने हाथ पे पहना हुआ है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मिलना बहुत ही मुश्किल था गाइस, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था और ना ही मेरे पास चेन वगैरह थी, और ना मैं ला पा रही थी और ना ही ऑर्डर कर पा रही थी, चेन वगैरह बहुत महंगे मिल रहे थे और उसमें करीब 20 चेन तो लग ही जाते। तो मेरे पास ना घर में कुछ लेस वगैरह पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता ही है मैं सिलाई भी करती हूँ तो मेरे पास ये सब घर में अवेलेबल होता ही है। तो ये देखिए यहाँ पे मिरर वाला लेस है ना, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ब्रेसलेट वाली जगह पे, एंड ये हथपूल वाली जगह पे है, इजिली बन गया, बट मेहनत तो लगी है इसको बनाने में, काफी टाइम लग गया मैं, लेकिन बन गया। सेम वैसा तो नहीं लग रहा है बट हाँ कुछ लुक प्रोवाइड कर रहा है उनके जैसा ही, बस हमें लुक ही चाहिए था, बाकी सेम उनके जैसा तो कुछ कर नहीं सकते, सेम तो नहीं कर सकते। चेन की जगह पे ये लेस लगा लिया है मैंने, ये चेन, ये लेस के धागे हैं, ये निकाल निकाल के ये मैंने लगाया है बड़ी मेहनत से, और आप मेहनत को समझो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना। तो ये मैंने बनाया हुआ है और बहुत नाप के और अच्छे से, तो ये हमारी ज्वेलरी है। और उसके बाद मेरे पास ना ये नोज पिन, देखिए ये बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि गाइस इस तरह का नोज पिन ना मुझे मिल नहीं रहा था बिल्कुल भी, ऑनलाइन में भी नहीं था और कहीं मार्केट में भी नहीं था, तो मेरे पास ना ये इयररिंग पड़े हुए थे इस तरीके से, ये इयररिंग, तब मुझे याद आया कि तेजस्वी जी ने जो नोज पे पहना हुआ है उसमें कुछ इस तरीके से लटके हुए हैं, तो इस तरीके से मुझे कहीं भी ऑनलाइन में नोज पिन नहीं मिली।
तो तब मैंने हार मान के गाइस घर में ही क्रिएट कर लिया ये नोज पिन। तो नोज पिन के लिए देखिए मैंने गोल्डन कलर का धागा लिया हुआ था और धागे में ये गोल्डन कलर का ये तार लगा दिया है वही लेस से निकाल के, जिससे कि थोड़ी सी शाइनिंग भी आए। और जितने पीस उनके में थे ना उतनी मैंने यहाँ गिन के, और ये गाइस ये जो लगी हुई है ना ये इसके पीछे ये नोज पिन है सिंपल वाली गोल वाली जो आती है,